हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की शॉर्टकट ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे करेंगे इसको। तो मोस्टली ये क्वेश्चन ट्रिक हम कहां यूज करते हैं, बेसिकली जब हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमें क्रैक करना होता है, वहां हमें टाइम लिमिटेड होती है कि वहां हमें टाइम कम होता है सम करने के लिए, तो वहां हमें शॉर्टकट ट्रिक ही आपको आनी चाहिए, तभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, जब भी हमारा ये ट्रिक कहाँ काम आएगी, जब भी हमारा इंटरवल 0 से पाई बाय 2 होगा, मीन जो इंटरवल है वो हमारा पाई बाय 2 जरूर होना चाहिए। 0 से पाई बाय 2 होगा तभी ये ट्रिक काम लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो 0 से पाई बाय 2 ही आता है पेपर में। 0 से पाई बाय 2 होगा, साइन स्क्वायर साइन की पावर एन एक्स डी एक्स होगी, तब हम इसकी ट्रिक यूज कर सकते हैं। और कैसे ट्रिक बनी, ये लिखेंगे n, ऊपर हम और टर्म माइनस करेंगे, जैसे कि n लिखा, n माइनस 1 कर दिया, n माइनस 3 कर दिया, n माइनस 5 कर दिया, और नीचे क्या लिखा n, और नीचे हमने इवन माइनस किया, मतलब n माइनस 0, तो ऐसे लिख लो तो n माइनस 0 बन जाएगा, और n माइनस 2, n माइनस 4। तो ऐसे करना है, अगर हमारा n इवन आता है, अगर हमारा n क्या आता है इवन, मीन इसकी पावर इवन आती है, तो हमने पाई बाय 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ऑड आएगी फिर हमने इतना ही रहने देना है। तो करते हैं, सबसे पहले ये समय 0 से पाई बाय 2 और साइन की पावर 2 एक्स डी एक्स है, तो एन हमारा इन केस क्या है, एन हमारा है 2। अब हमने इसका शॉर्टकट ट्रिक यूज करके इसका आंसर निकालना है। तो क्या था एन, एन हमारा क्या है 2, 2 में से पहले 1 माइनस करेंगे, अब 2 में से 3 माइनस ऐसे, फिर ऐसे ऐसे फिल करेंगे, और नीचे 2 लिखेंगे, और 2 में से 0 कर देंगे, और 2 में से 2 कर देंगे। अब एक चीज मैं बता दूं, यहां पे ऐसे कितनी बार करेंगे, एक तो यहां पर कभी भी आपने ट्रिक यूज करनी है तो n n माइनस नहीं आना चाहिए आंसर। इसमें माइनस आ रहा है तो ये नहीं लगेगा, इसमें 0 आ रहा है 0 भी आना नहीं चाहिए, और माइनस भी नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं लगेगा। तो इवन है, n क्या है हमारा इवन, तो इसका मतलब इसके साथ पाई बाय 2 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो इतना शॉर्टकट था फॉर्मूला, मैंने बता दिया कि आपका जो आंसर है वो माइनस में ही नहीं आना चाहिए, ना तो 0 आना चाहिए, तो ये हमने इलिमिनेट कर दिए, हमें पता चल गया इतना ही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये क्या आ जाएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो 1 बाय 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा पाई बाय 4। तो कितना ये इजी था, मैंने आपको फ्यू सेकंड में ही इसका सम करवा दिया है। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।